हैमिल्टन वनडे बारिश से धुलने के बाद अब टीम इंडिया इस सीरीज को बचाना चाहेगी। ऐसा ही कुछ बयान टीम के कप्तान शिखर धवन की तरफ से आया है। धवन ने कहा है कि अब टीम का पूरा फोकस सीरीज के आखिरी वनडे मैच पर है। धवन ने कहा, ऐसे दिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मौसम किसी के हाथ में नहीं है। शिखर धवन ने मैच के बाद टीम के बल्लेबाजों की तारीफ की और कहा, मौसम हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप सिर्फ बारिश रुकने का इंतजार कर सकते हैं। अब हम आगे के मुकाबले के बारे में सोच रहे हैं। ये विकेट बहुत अच्छी थी, मैंने सोचा था कि इस पर और ज्यादा स्विंग होगा। हालांकि फिर भी सभी बल्लेबाजों को इंटेंट के साथ खेलते देखना बहुत अच्छा रहा। शिखर धवन ने मैच के धुलने के बाद संजू सैमसन को लेकर भी बात की। दरअसल टॉस के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक बार फिर से टीम इंडिया की आलोचना हो रही थी। दरअसल दूसरे वनडे मुकाबले की टीम से संजू सैमसन को बाहर रखा गया था। ऐसे में कप्तान शिखर धवन ने टीम में हुए बदलावों पर कहा, हम छठा गेंदबाज टीम में चाहते थे, इसलिए हमने सैमसन की जगह पर दीपक हुड्डा को चुना। हम दीपक चाहर को भी इस्तेमाल करना चाहते थे, हमें एक और स्विंग बॉलर चाहिए था जो कीवी बल्लेबाजों को परेशान कर सके। दरअसल तीन मैच की सीरीज के पहले वनडे में भारत 5 गेंदबाजों के साथ उतरा था। ऐसे में 306 रन बनाने के बाद भी भारतीय टीम उस मुकाबले को गवा बैठा। शिखर धवन ने आगे टीम के युवा खिलाड़ियों की तारीफ की। उन्होंने कहा, टीम के सभी सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, ऐसे में हमारी टीम की डेप्थ नजर आती है। हम सभी युवा खिलाड़ियों को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। ये रोमांचक है कि ये मुझे इतना युवा महसूस कराते हैं। सभी युवाओं के लिए अच्छा मौका है कि न्यूजीलैंड में आकर खेलें और अच्छा प्रदर्शन भी करें। शुभमन इन कंडीशंस में बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। आखिरी मैच में उमरान ने भी अच्छी गेंदबाजी की। जिस परिपक्वता को वो सभी ले रहे हैं वो अच्छा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैच की वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड 1-0 से आगे है। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 30 नवंबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। वनडे से पहले भारत ने न्यूजीलैंड से 3 मैच की T20 सीरीज को 1-0 से जीता था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी विपिन ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।